सागर में लोग राधा रानी की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। नजारा है शहर के प्रसिद्ध रिमझिरिया स्थित श्री देव गोवर्धन मंदिर का, जहां राधा अष्टमी के मौके पर भजन संध्या के दौरान लोग भजनों पर झूमते हुए नजर आए। सुबह से ही लोग मंदिर में पहुंचने लगे थे, जहां सभी ने भगवान के दर्शन किए और प्रार्थना की। यहां की दिलचस्प बात यह है कि मंदिर खूबसूरत पहाड़ी के बीच बना हुआ है, जिससे यहाँ की खूबसूरती और नजारा देखने लायक होता है। मंदिर करीब 100 साल पुराना है। राधा अष्टमी के मौके पर श्री देव गोवर्धन मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। भजन संध्या की प्रस्तुति मेन पानी से आए कलाकारों द्वारा की गई। वहीं बताया जाता है कि राधा अष्टमी के दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी का व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद पड़ता है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण और राधा रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसको लेकर ऋषिकेश महाराज राजघाट वालों ने जानकारी दी। राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी जी का उत्सव है, जो यहाँ पर सबसे पहले सन 60 में हमारे गुरुदेव श्री श्री वासुदेव स्वामी जी महाराज अजमेर वालों ने शुरू किया था, और यह उत्सव इतना महान हो गया कि आज कई जगह राधाष्टमी मनाई जाने लगी। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ भी प्रथम बार राधाष्टमी का महामहोत्सव हमारे बिजू भैया के बिजू यादव जी की प्रेरणा से अपन कार्यक्रम हुआ, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से एक निस्वार्थ प्रेम किया था। ये महत्व तो श्रीमती राधा रानी को मनाने का मतलब है श्री भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। राधा रानी ने केवल भगवान का प्रेम प्राप्त किया है और प्रेम माना है, और राधा रानी को मनाने से ठाकुर जी प्रेम प्राप्त हुआ, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्रेम प्राप्ति। चैतन्य महाप्रभु जी ने ही राधा रानी के इस उत्सव को बढ़ावा दिया। आज पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा रानी का उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव तो बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष राजघाट को ही शुरू किया गया उत्सव, और यहाँ श्री गौरबोध मंदिर में और सारा के मंदिर गुलाब चंद्र मंदिर से राधा वल्लभ जी का मंदिर से श्री राधा बांके राघव जी के मंदिर में भी राधा सिंह मनाया गया।
वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब एंड book library, beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.